पिछले दिन ही अमरीका में पुलिस हत्थों हुई एक काले की मौत तो बाद स्थानक बहुगिनती हिंदू वसों वालों बैलग्रेव इलाके में गोल्डन माइल रोड से 2009 लगाए गए 3.5 मीटर उत्ते महात्मा गांधी के कांसी के बने बुत इतों हटाने एक बार डरबी की रहने वाली कैरी पैगुलर वालों इस बुत को हटाने वास्ते चलाई जा रही ऑनलाइन मुहिम में 15 दिनों के छोटे जिहे वक्फे 6,000 लोगों ने हाँ पक्षी हुंगारा दिता है। कैरी वालों ऑनलाइन वायरल की गई पटीशन विच महात्मा गांधी नूं फाशीवादी नसलवादी ते कामी अयाच दसदियां कहा गया है कि उसके कारण 1947 वेले हिंदुस्तान के लखां लोकां नूं मुसीबतां दे पहाड़ चलने पए जिन्हां दा सिलसिला 1948 तक गांधी की मौत तक निरंतर चलता रहा। पटीशनर का कहना है कि गांधी का बुत लाउणा नसलवाद नूं बढ़ावा देण दे बराबर है जिस करके इस नूं तुरंत हटाया जाना चाहिए है। कैरी का कहना है कि जब पटीशन साइन करने वाले की गिनती 5,000 तो टप गई तो स्थानक सिटी कौंसल अधिकारियों ने उस नाल संपर्क करके कहा कि वह अपनी पटीशन नूं समाप्ति तुरंत कौंसल कोल जमा करा देवे ताकि उस उत्ते विचार करके अगलेरी कार्रवाई की जाए। इस दे नाल ही मुहिमकर्ता मिस कैरी ने उसकी पटीशन नूं भरवां हुंगारा देने वाले लोगों का धन्यवाद भी किया है। दूसरे पास एक हिंदू चैरिटी के कुछ मैंबरों वालों इत्थे दे साबका मैंबर पार्लीमेंट कीट वॉस की अगवाई हेठ इस बुत नूं ना हटाने वास्ते बुत के आले दुआले चिट्टे रिबन वाला गोल घेरा बना के प्रदर्शन किया गया। इस मौके कीटवाज ने कहा कि बुत नहीं हटाने दिता जाएगा तो जो लोग इस तरह की मंग कर रहे हैं उन्हां संबंधी पुलिस नूं सूचित किया जाएगा। उन्होंने गांधी की तुलना किंग मार्टिन लूथर नाल भी की। महात्मा गांधी के बुत को लेकर शहर में स्थिति बड़ी तनाव वाली बनती जा रही है। स्थानक सिटी कौंसल के अधिकारियों वालों पटीशनर को उसकी पटीशन उत्ते संजीदगी नाल विचार करने का भरोसा दे दिया गया है। गांधी का बुत हटाया जाता है या नहीं इस बारे हजे कुछ भी कहना समय तो पहला की गल होगी पर गांधी के बुत को एक बार फिर कुछ अंसरों वालों नुकसान पहुँचाए जाने का खतरा जरूर पैदा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट आवाज़े कॉम टीवी।